ऑनर प्ले द गेमिंग फोन, और यह है ऑनर का बजट गेमिंग स्मार्टफोन। इस डिवाइस में हमें नॉर्मली बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है, लेकिन द बेस्ट इज द फ्लैगशिप प्रोसेसर, और यही बनाता है इस डिवाइस को एक गेमिंग स्मार्टफोन। लेकिन फिर भी ऑनर प्ले किसी भी नॉर्मल यूजर के हाथ में एकदम मक्खन की तरह चलेगा। हेलो गाइस, दिस इज शोइकोट और आप देख रहे हैं द रिव्यू ऑफ द बजट गेमिंग स्मार्टफोन ऑनर प्ले। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं ये डिवाइस कैसा है, तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहना। तो वीडियो के शुरू में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में। तो जब मैं पहली बार इस डिवाइस को देखा था, तो मैंने सोचा था कि ये कैसे गेमिंग स्मार्टफोन हो सकता है। देखने में तो ये नॉर्मल सा फोन जैसा ही लगता है, लेकिन फिर भी इस बजट में इसका डिज़ाइन लुक बहुत ही अच्छा है। मेरे पास है इस डिवाइस का जो ब्लैक कलर वेरिएंट है, वो है मेरे पास, और इसमें हमें देखने को मिलता है मेटल बैक यूनिबॉडी, एंड दैट्स फील गुड एंड ऑल्सो लुक्स गुड। और ऊपर और नीचे की तरह आपको एंटीना लाइन देखने को मिलेगा। हालांकि ये ब्लैक वेरिएंट है तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। डिस्प्ले हमें नॉर्मल से फोन जैसे ही देखने को मिलता है, नॉच ऑन द टॉप और स्मॉल चीन ऑन द बॉटम विद ऑनर ब्रांडिंग। और मुझे इस डिवाइस का डिस्प्ले बहुत ही कमाल लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है। डे लाइट में, आउटडोर में काफी अच्छा है, विजिबल बहुत ही अच्छा है, व्यूइंग एंगल भी बहुत ही अच्छा है। और इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है 6.3 इंच का फुल एच डी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, और डिस्प्ले बहुत ही हम एकदम बोल सकते हैं शार्प और ब्राइट है। लेकिन इसमें हमें कोई गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलता है, फिर भी डिस्प्ले बहुत ही टफ, हम टफ बोल सकते हैं। थोड़ा सा माइनर स्क्रैच लगा है, मुझे यूज करते हुए 10 दिन हो गया, थोड़ा सा माइनर स्क्रैच लगा है, लेकिन फिर भी टफ बोल सकते हैं हम इस डिवाइस के डिस्प्ले को। और हाँ, पीछे की तरह आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो बाकी बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है। और फोन की राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा सिम स्लॉट, जो कि है हाइब्रिड सिम स्लॉट। और हाँ, इस डिवाइस के नॉच में जो ईयरपीस है, नॉच में हमें ईयरपीस देखने को मिलता है, प्राइमरी कैमरा और कुछ सेंसर्स देखने को मिलता है, और जो ईयरपीस है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट। और इस डिवाइस में हमें USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस डिवाइस के नीचे हमें स्पीकर देखने को मिलता है, जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज्यादा लाउड नहीं है। और अगर आप कैमरा देखेंगे तो डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा बम्प आपको देखने को मिलेगा इस डिवाइस में ऑनर प्ले में, तो आपको परेशानी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर आप एक केस यूज करेंगे जो ब्लॉक्स में इंक्लूडेड था। तो ओवरऑल इस डिवाइस का डिजाइन एक गेमिंग स्मार्टफोन जैसा नहीं है, लेकिन इस बजट को ध्यान में रखते हुए ये डिवाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इस डिवाइस का डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इस प्राइस सेगमेंट में इससे ज्यादा डिजाइन आपको, जिससे ज्यादा अच्छा दिखने वाला मोबाइल आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि गेमिंग स्मार्टफोन है, गेमिंग स्मार्टफोन जैसा नहीं है, फिर भी डिजाइन बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल आई लाइक द डिजाइन फॉर दैट प्राइस सेगमेंट। तो अब आते हैं मेन बात के बारे में, जो बनाता है इस डिवाइस को एक गेमिंग फोन, द परफॉर्मेंस। तो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है Huawei का खुद का चिपसेट, Huawei का फ्लैगशिप प्रोसेसर, जो कि है हाई सिलिकॉन किरिन 970। और इस बजट में किसी भी फोन को परफॉर्मेंस के साइड से ये डिवाइस ऑनर प्ले इजीली बीट कर देता है, बिकॉज ऑफ द फ्लैगशिप प्रोसेसर। और आप देख सकते हैं इस डिवाइस की बेंचमार्क स्कोर, जो बहुत ही हाई है, और इसी बजट की किसी भी स्मार्टफोन ऐसा स्कोर नहीं ला पाएगा, क्योंकि इस डिवाइस में हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है ऑनर प्ले में, तो इसके वजह से ये डिवाइस बहुत ही आगे जाता है परफॉर्मेंस की साइड से। और इस डिवाइस को मैं 10 दिन से भी ज्यादा टाइम से यूज कर रहा हूँ, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला परफॉर्मेंस की साइड से, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला इस डिवाइस में। UI इज ऑल्सो गुड, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, और गेमिंग परफॉर्मेंस तो फ्लैगशिप जैसा है एज यूजुअल, क्योंकि इस डिवाइस में हमें फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलता है, एकदम मक्खन की तरह चलता है ये गेम, इससे गेम चलता है एकदम मक्खन की तरह। और इस डिवाइस में हमें एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, जिसका नाम है GPU टर्बो, तो ये बहुत ही अच्छा है, जो गेम खेलने के समय काम में आता है, जो नॉर्मली परफॉर्मेंस को 60% तक इंक्रीज कर देता है, और बैटरी कंजम्पशन को 30% तक डिक्रीज कर देता है। तो इस डिवाइस से हम गेम प्ले बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे, और आप अल्ट्रा ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट में गेम खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं विद ऑनर प्ले। और दोस्तों, मैंने इस डिवाइस का एक हैवी गेमिंग टेस्ट किया था कुछ दिन पहले, तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते तो ऊपर कार्ड में शो हो रहा है, वो वीडियो देख लीजिए। तो ओवरऑल बात करें तो इस डिवाइस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। और मैं लिख के देता हूँ कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन, गेमिंग परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन आपको नहीं मिलने वाला है इस प्राइसिंग सेगमेंट में।
और सीधा बात करो तो परफॉर्मेंस की साइड से ये बड़े बड़े फ्लैगशिप जो डिवाइस है वन प्लस सिक्स एसुस ज़ेनफोन 5Z उनको टक्कर देने लायक है ये ऑनर प्ले। और दोस्तों इस डिवाइस में हमें अपकमिंग अपडेट्स में AI गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अपकमिंग अपडेट्स में वो आएगा, जैसे कि आप गेम खेलेंगे और गेम में थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा तो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और 3D साउंड इफेक्ट भी मिल जाएगा अपकमिंग जो अपडेट्स आएगा उसमें, और इसके वजह से आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाएगा। आप गेमिंग और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे इस डिवाइस में जो कि आने वाला है अपकमिंग अपडेट्स में। तो ये था परफॉर्मेंस इस डिवाइस का, और अब बात करते हैं इस डिवाइस की सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस डिवाइस में हमें मिलता है EMUI 8.2 विद Android Oreo, और ये UI मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब हमें इस डिवाइस में बहुत सारे फीचर देखने को मिलता है, मतलब ये डिवाइस है, इस डिवाइस पर जो UI है वो है लगभग फीचर पैक है, और आप बोर नहीं होंगे। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो आप नॉच को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐप ड्रॉयर पसंद है तो आप ऐप ड्रॉयर को एनेबल कर पाएंगे, और आप नेविगेशन जेस्चर को भी बदल पाएंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, और मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आता है पिल लाइक एंड्रॉयड पाई। और हाँ, फेस अनलॉक फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है इस डिवाइस में, जो बाकी बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है। तो यार ओवरऑल बात करें तो ये EMUI ओवरऑल हम बोल सकते हैं ये फीचर पैक है। आपको बहुत सारी फीचर इस डिवाइस में इस UI में देखने को मिलेगा, तो आप बोर नहीं होंगे। और मेरा बात करूँ तो आई एम ओके विथ इट। और मैं सोच रहा हूँ कि एक इस डिवाइस का फीचर को लेकर एक वीडियो बनाऊँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक इस डिवाइस की जो हिडन फीचर है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। तो मूविंग ऑन द कैमरा, ऑनर प्ले में हमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, जिसमें जो मेन सेंसर है उसका एपर्चर है f2.0। आप देख सकते हो कुछ पिक्चर का सैंपल। ऑनर प्ले से हम अच्छा अच्छा पिक्चर क्लिक कर पाते हैं। AI ऑन करने से आपको ओवर सैचुरेटेड पिक्चर मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज को नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे ओवर ऑप्टिमाइज आपको पिक्चर देखने को मिलेगा समटाइम्स लाइक ओवर शार्पन। और आप AI मोड ऑन करके अगर कोई पिक्चर लेते हैं तो आप बाद में AI को ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक और फीचर मिलता है लाइक जिसका नाम है एपर्चर मोड, और अगर आप उस मोड से कोई पिक्चर लेते हैं तो आपको एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है, इस डिवाइस का एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है। और बाद में अगर आप चाहे तो इसको कम ब्लर या फिर ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, एपर्चर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर बहुत ही अच्छा है एपर्चर मोड वाला और AI वाला, और एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और मूविंग ऑन द लो लाइट, इसमें हमें थोड़ा सा नॉइसी पिक्चर देखने को मिलता है लो लाइट कंडीशन में। और पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है, फ्रंट में भी हमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा पिक्चर हम ले सकते हैं इस डिवाइस से, और एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बात बहुत ही अच्छा लगा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि है प्रो मोड, तो आप मैनुअल कंट्रोल से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो इस डिवाइस से आप ओवरऑल गुड लाइटिंग और डे लाइटिंग में बहुत ही अच्छी तरह से फोटोज खींच सकते हैं इस डिवाइस में आप जो फोटो खींचेंगे डे लाइट और गुड लाइटिंग कंडीशन में वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन लो लाइट में अगर आप फोटो खींचेंगे तो आपको थोड़ा सा नॉइजी फोटो देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि इस डिवाइस में अगर आप कोई पिक्चर लेते हो तो ओवर शार्पन ओवर सैचुरेटेड होता है कुछ कुछ टाइम में, और मैं ये आशा करता हूँ कि अपकमिंग अपडेट्स में ये सब फिक्स हो जाएगा। हाँ, ये तो मानना ही होगा इस डिवाइस का कैमरा आपको A2 जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस लेवल का ही आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, उस लेवल का ही है कैमरा लगभग, लेकिन Redmi Note 5 Pro से तो बेटर ही है Honor Play का कैमरा। तो ओवरऑल बात करें तो हम इस डिवाइस को पहले एक कैमरा स्मार्टफोन देन एक गेमिंग स्मार्टफोन ये नहीं बोल सकते, हमें इस डिवाइस को सबसे पहले एक गेमिंग स्मार्टफोन देन एक कैमरा स्मार्टफोन बोल सकते हैं। ओवरऑल डिसेंट कैमरा है इस डिवाइस का, बहुत ही अच्छा नहीं बोल सके लेकिन डिसेंट बोल सकते हैं। मूविंग ऑन द फ्रंट, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विथ f2.0 एपर्चर, और फ्रंट पे भी हमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है और 3D लाइटिंग इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, और एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट मोड का बहुत ही अच्छा है, और फ्रंट से भी डिसेंट पिक्चर क्लिक होता है इस डिवाइस से। लास्ट ऑफ ऑल गाइस, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है 3750 mAh का बैटरी कैपेसिटी विथ फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें मिलता है इस डिवाइस में, और नॉर्मल यूजर से ये डिवाइस एक दिन से भी ज्यादा टाइम चल जाएगा। और मैंने इस डिवाइस का एक एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट किया था, अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, कार्ड में शो हो रहा है। और चार्जिंग की बात करें तो दो घंटे के अंदर ये डिवाइस फुल चार्ज हो जाता है 10% से लेकर 100% तक, सो वी कैन से द बैटरी इज गुड।
तो ओवरऑल ये ऑनर प्ले हम बोल सकते हैं, ऑनर प्ले को एक बेस्ट बजट गेमिंग स्मार्टफोन हम बोल सकते हैं। और अगर आप एक गेमर हो, आप एस्पल्ट 9 और पबजी जैसा गेम खेलना चाहते हो, वो भी हायर ग्राफिक्स में और अल्ट्रा फ्रेम रेट में, और आपका बजट है 20,000 के नीचे, तो आप ये स्मार्टफोन ले ही सकते हो। ये स्मार्टफोन आपके लिए है फिर। सो गाइस, वी कैन कॉल इट द बेस्ट बजट गेमिंग स्मार्टफोन। और इस बजट में ऐसा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। और इस फोन में आपको डिसेंट कैमरा मिलता है, ये तो मानना ही होगा। डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, हम अच्छा बोल सकते हैं इस डिवाइस का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। बैटरी भी बहुत ही अच्छा है। और लुक की बात करें तो गेमिंग फोन जैसा तो नहीं लगता है, लेकिन इस बजट में इस डिवाइस का लुक बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्लैगशिप फोन जैसे ही हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस का लुक। तो ओवरऑल ये ऑनर प्ले एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, हम डेफिनेटली इसे एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बोल सकते हैं, जो ऑफर करता है ग्रेट गेमिंग कैपेबिलिटीज। तो ओवरऑल अगर आप एक फ्लैगशिप डिवाइस चाहते हैं, वो भी बजट कैटेगरी में, तो ये डिवाइस आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो यही था ऑनर प्ले का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ऑनर प्ले, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए इतना ही। दिस इज शोइकॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।